फूलपुर गांव में फिर ली खूनी वधु ने नए नवेले जोड़े की जान। मौत के पहले दूल्हे ने मनाई थी खूनी वधु के साथ सुहागरात। कौन है ये खूनी वधु? भाई ये न्यूज तो तुझे स्टार पत्रकार बना देगी। मैं तो कहता हूँ तुरंत निकल फूलपुर के लिए। अबे कहाँ निकल, करियर चमकाने में जान चली जाएगी मेरी। तेरी गलती नहीं है, पाइप चुराने वाला चोर, चोटी काटने वाले साइको जैसे केस का एक्सपीरियंस होगा तो डेरिंग आएगी कहाँ से? अबे ये सब गांव वालों की बनाई कहानियाँ हैं। जा जाकर इसका पर्दाफाश कर और बन जा स्टार पत्रकार। बात तो सही है तेरी, एक बार कुछ बड़ा हाथ लगे तो आगे सीधा प्रमोशन और सैलरी की बात करूँगा। अबे गधे, उस न्यूज के बाद तुझे इन लोगों की नहीं उन लोगों को तेरी जरूरत होगी और कई बड़े चैनल तेरे पीछे भागेंगे। हाँ यार भाई यार तू मेरा। चेतन उसी शाम फूलपुर के लिए निकलता है। ओहो, ये फोन की बैटरी को भी अभी जाना था। बाप रे, स्टेशन है या कब्रिस्तान? चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। चलते चलते शेखर को पीछे से घुंघरू की आवाज आती है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये आवाज सुनते ही चेतन के पैर वही जम जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ऐसा कहते हुए चेतन पलटता है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और ये पैर में घुंघरू बांधकर क्या कर रहे हो स्टेशन पर? अपनी और स्टेशन की रखवाली गार्ड हूँ मैं यहाँ का। ये कैसी रखवाली है? तुम्हारे घुंघरू की आवाज ने जान ही निकाल दी थी मेरी। आदमी हो आदमी जैसे हो। अरे साहब, मर्दों को सबसे ज्यादा खतरा है यहाँ। पहले रिझाती है और फिर बस इसलिए घुंघरू पहने हैं, उसको चकमा देने के लिए। ये तस्वीर देने के लिए बुला रहा था, इसे रखो। अगर कभी उससे सामना हो जाए तो तुरंत इसको जला देना, शायद तुम्हारी जान बच जाए। उफ, भूतों से तो फिर भी निपट सकते हैं, बेवकूफों से कैसे निपटा जाए। वैसे किसकी बात कर रहे हो तुम? अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है। चेतन बाबू। चेतन घबरा कर इधर उधर देखता है। चेतन बाबू, तुमने सुनी वो आवाज? वो गार्ड वहाँ से गायब हो चुका था। चेतन के पसीने छूट जाते हैं और वो तुरंत स्टेशन से बाहर भागता है। बाहर आकर चेतन खुद को संभाल ही रहा होता है कि उसे एक लड़की दिखती है। उस लड़की को देखते ही चेतन देखता रह जाता है। उस लड़की ने एक पीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। उसकी खूबसूरती देख कर चेतन खुद को रोक नहीं पाता। वो अपने बाल सेट कर सड़क क्रॉस करके लड़की के पास जाता है। एक्सक्यूज मी, डू नॉट माइंड, मैं नया हूँ इस गाँव में, आज रात रहने के लिए अगर आप कोई जगह बता दें तो बहुत हेल्प होगी। प्लीज। वैसे आप इतनी रात को यहाँ? पिकनिक मना रही हूँ, तुम भी मनाओगे? हाँ क्यों नहीं, बशर्ते आप खूनी वधू नहीं है और पिकनिक मनाकर मुझे मार नहीं डालेंगी। उस लड़की के लंबे बाल, गहरी काली आंखें, उसके कसे कपड़े और उभार देखकर चेतन मन ही मन आह भरने लगता है। ओ हेलो, कहाँ खो गए? हाय, हम कनिका। मैं चेतन। क्या करते हो चेतन, और फूलपुर कैसे पहुँच गए? शहरी लगते हो। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बस कहानी ढूंढने आया हूँ यहाँ। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये फूलपुर मेरा ही गांव है, यहाँ की मुखिया की बेटी हूँ मैं। वेलकम। व्हाट, वाओ, तो खूनी वधू को तो आइडियली डर रह जाइए आपसे। कुछ साल पहले अगर कोई खूनी वधू का नाम लेता तो मैं हंस पड़ती, पर घर पे हुए हादसे के बाद सब बदल गया। कैसा हादसा? मुझे आज भी वो रात याद है जब घर में भाई भाभी के लगन के बाद रात को उनके कमरे से वो दर्दनाक चीखों की आवाज आई, और जब हम वहाँ पहुँचे भाई के शरीर के अंग भी निकाल दिए थे, इतनी बेरहमी से मारती है वो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, इट्स ओके, सोचा था घर वालों को सरप्राइज दूंगी, पर मुझे क्या पता था कि मैं ही सरप्राइज हो जाऊंगी। नो ट्रांसपोर्ट, नथिंग, कुछ नहीं बदला इन 7 साल में यहाँ। अच्छा, अरे ये कहाँ आ गए हम, हवेली? देखो तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चला, मेरा घर आ गया। क्यों ना आज तुम गेस्ट रूम में रुक जाओ, बाबा से बात करके कल तुम्हारे लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे तुमने मुझे सेफली घर तक छोड़ा, उसका थैंक यू मान लो। ठीक है, इफ यू इंसिस्ट। गुड नाइट। थैंक्स, गुड नाइट।
शेखर बेड पर रिलैक्स ही कर रहा था कि उसकी नजर कमरे में रखे एक आइस बॉक्स पर पड़ती है। अरे वाह बेटा, शबाब नहीं तो शराब ही सही, कुछ तो अच्छा हुआ आज के दिन में। ये अमीर लोग ना सेट होते हैं यार, सब इंतजाम रखा है। जैसे ही कमरे में रखे आइस बॉक्स को चेतन खोलता है, उसकी चीख निकल जाती है। चेतन को अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता। चेतन को आइस बॉक्स में इंसानी अंग दिखते हैं। अचानक गैस रूम का दरवाजा कोई बाहर से खोलने लगता है। चेतन जल्दी से वहाँ एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। एक आदमी अंदर आता है और वो डब्बा उठाकर किसी से फोन पर बात करता है। सुनो, माल सही जगह सही तरह पहुँचाना है, नहीं तो मालिक खाल उधेड़ देंगे। इस पूरी बात की कैसे चेतन के दिमाग में रिवर्स में चलने लगती है। कनिका की कही बात, उसकी भाभी की रहस्यमय मौत और अब ये इंसानी ऑर्गन का मिलना। क्या चल रहा है इस हवेली में, इस आदमी को पकड़ता हूँ, कुछ तो उगलेगा। चेतन को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी मिलने वाली थी। खोली वधू का राज कई और बड़े राज खोलने वाला था। साहब मुझे छोड़ दीजिए, पुलिस के हवाले मत कीजिए। इंसानी अंगों की तस्करी ठाकुर साहब कई सालों से कर रहे हैं। छोटे मालिक की शादी के बाद पहली बहू रानी को इसकी भगत लग गई थी, इसलिए ठाकुर साहब और छोटे मालिक ने उन्हें मरवा दिया और उनके अंगों की तस्करी की। सारी गांव में ये बात फैला दी कि ये खूनी वधू ने किया है। और क्या जानता है तू, जल्दी बता। साहब बस अभी जो कुछ साल पहले बाबा और नई बहू रानी की मृत्यु हुई, उनकी हत्या सच में खूनी वधू नहीं की थी, उसमें ठाकुर साहब का हाथ नहीं था। मुझे जाने दीजिए, आपको सब बता दिया है। चेतन के कैमरे में राम सिंह का बयान सुनकर पुलिस हवेली पहुँचती है, जहाँ उन्हें इस बात की पुष्टि करते हुए कई सबूत मिलते हैं। चेतन की नजरें हवेली में कनिका को ढूंढ रही थी। सुनो, कनिका मैडम कहाँ है? साहब कौन कनिका? ठाकुर रघुवेंद्र प्रताप की बेटी। और कौन? साहब हम यहाँ नए हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि ठाकुर साहब की कभी कोई बेटी नहीं रही। चेतन सहम जाता है कि उसे इस हवेली तक लाने वाली कनिका आखिर कौन थी। अगली सुबह चेतन के फोन पर उसके ऑफिस और कई बड़े चैनल से फोन आते हैं। हर टीवी चैनल पर फूलपुर में चेतन का ये सनसनीखेज खुलासा हेडलाइन बन चुका था। लेकिन चेतन अभी भी कनिका की गुत्थी में उलझा हुआ था। वो ट्रेन में अपनी सीट पर आंखें बंद करके सोचने लगता है कि अचानक चेतन बाबू। चेतन हड़बड़ा कर खिड़की से बाहर देखता है, वहाँ उसे कनिका नजर आती है। चेतन अपने बैग में से स्टेशन गार्ड की दी हुई तस्वीर निकालता है और कनिका को देखते हुए उसमें आग लगा देता है। देखते ही देखते कनिका लाल जोड़ी में सजी एक सुंदर दुल्हन का रूप ले लेती है और चेतन की नजरों से ओझल हो जाती है। इस घटना के बाद चेतन की जिंदगी और उसका करियर दोनों ही बदल जाते हैं, लेकिन खूनी वधू का सच आज भी कोई नहीं जानता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा जीना मुमकिन नहीं, मैं हर वक्त तुम्हारी बाहों में रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हूँ युग, मुझे गले से लगाए रहो, कभी दूर मत जाना। तुम मेरे हो युग, बस मेरे हो। और इस चीख के साथ एक बार फिर युग की नींद खुल जाती है। जब से युग ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, हर रात वही खूबसूरत लड़की युग के सपने में आती है, लेकिन उनके मिलन के बिल्कुल पहले ही हर बार डरावने तरीके से युग की नींद खुल जाती है। हैरानी की बात ये है कि युग आज तक उस लड़की का नाम भी नहीं जानता और ना ही कभी किसी से अपने सपने और इस लड़की के बारे में बात की। लेकिन भले ही वो लड़की युग का सपना है, युग उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। और हो भी क्यों ना, उस लड़की की खूबसूरती और मदहोश कर देने वाली आवाज किसी की भी तपस्या भंग कर दे। उठ गया बेटा? हाँ माँ। तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी लग रही थी माँ। युग के पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। युग और माँ एक नए शहर में रह रहे थे, लेकिन जब से इस लड़की का सपनों में आना शुरू हुआ, तब से युग बेचैन और खोया खोया ही रहता। अक्सर युग खिड़की से ही झांकता रहता और सुबह से शाम हो जाती,
लेकिन अब युग ने सोच लिया था कि वो उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर ही देगा। युग, मैं आ गई। अरे कमाल है, आज पहली बार तुमने मुझे देखकर बाहों में नहीं भरा। इससे पहले कि फिर मेरी नींद टूटे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं बस सोता ही रहूं और तुम्हारी बाहों में रहूं, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें सिर्फ ख्वाबों में नहीं हकीकत में अपना बनाना है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। उसके लिए तुम्हें ग्रेवयार्ड कोठी आना पड़ेगा, किश्नोई नदी के पास, और ले जाओ मुझे। लेकिन कहाँ है ये ग्रेवयार्ड कोठी? अरे सुनो, रुको। एक बार फिर बात अधूरी रह गई, लेकिन इस बार युग को याद रह गई ग्रेवयार्ड कोठी। युग इंटरनेट पर सर्च करता है, लैपटॉप की स्क्रीन चटक उठती है और युग के बिल्कुल पीछे एक काला साया आ ठहरता है। युग पलट कर पीछे देखता है तो कोई नहीं दिखता, लेकिन युग की बेताबी इतनी थी कि उसकी नजर बस ग्रेवयार्ड कोठी पर थी। पढ़ता है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। युग जानता था कि माँ को अगर सही वजह बताई तो माँ जाने नहीं देगी। माँ, माँ मेरा एक एंट्रेंस एग्जाम है, 2-3 राउंड्स होंगे, 3-4 दिन लग जाएंगे, मुझे आज ही निकलना होगा। लेकिन बेटा अचानक बता रहा है, तू रुकेगा कहाँ? माँ मेरा दोस्त रहता है वहाँ, मैंने बात कर ली है उससे, चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। युग जैसे ही घर की दहलीज से बाहर पैर रखता है, युग की माँ को पीछे से उसकी गर्दन पर एक भयानक निशान दिखाई देता है। युग बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, युग के पापा की गर्दन पर मरते वक्त बिल्कुल ऐसा ही निशान था। तुम जो कोई भी हो, मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे, मेरा सुहाग ले लिया, मेरे बेटे की जान बख्श दो मेरे बेटे की जान। रोते रोते माँ बेहोश हो जाती है और यहाँ युग ट्रेन में बैठ चुका था। रास्ते में युग एक चिप्स का पैकेट लेता है और जैसे ही युग पैकेट खोलता है, युग के साथ साथ बाकी यात्री भी सहम उठते हैं। और कुछ ही देर में ट्रेन की खिड़कियों से दिखाई पड़ता है कि चारों तरफ घने काले बादलों की वजह से अंधेरा छाने लगता है। कौवे भी डरा रहे हैं आज तो। ऑटो? हाँ जी बाबूजी, किधर जाना है? भैया ग्रेवयार्ड कोठी ले चलो। ए उतर नीचे, पागल है क्या? तेरे को मरने का शौक होगा, मेरे को नहीं है, यक्षिणी रहती है वहाँ, शरीर का एक अंग भी नहीं मिलेगा किसी को। एक के बाद एक ऑटो रिक्शा निकलते रहे, लेकिन कोई भी ग्रेवयार्ड कोठी चलने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार युग पैदल ही ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ चलना शुरू करता है। अचानक एक धूल का बवंडर उठता है। युग धूल से बचने के लिए अपनी आंखें मीच लेता है। धीरे से बवंडर शांत होते ही अचानक चमेली की खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसी उस सपने वाली लड़की से आती है। युग उत्साह से आंखें खोल के देखता है, सामने से वही लड़की चली आ रही थी। वो लड़की युग को पहचानती भी नहीं, और जब युग पीछे पलट कर देखता है तो वो एक हट्टे कट्टे नौजवान से बात कर रही थी। वो लड़का देखने में युग से काफी ज्यादा हैंडसम और ठोस नजर आ रहा था। युग का मन हताश हो जाता है, लेकिन युग एक उम्मीद रखता है कि शायद वो लड़की उसे पहचान लेगी। युग उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। पीछा करते करते युग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी की हालत देख युग की जान हलक को आ जाती है। काली पड़ी दीवारें, कोठी से आती ताजे खून और मांस की बदबू, टूटी बिखरी सीढ़ियां, कम शब्दों में कहे तो मौत का दूसरा नाम लग रही थी ग्रेवयार्ड कोठी। लेकिन युग की चाहत हर डर पर भारी थी। वो कोठी के करीब जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है।
वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाए हुए थे। उन दोनों को एक दूसरे में खोया हुआ देखकर युग का दिल जल रहा था। युग बार बार चाह रहा था कि वो उनके सामने जाकर उस लड़की से बात करे। जब वो दोनों अपनी हदें पार कर देते हैं तो युग खुद को रोक नहीं पाता और उन दोनों की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही युग अपने कदम बढ़ाता है, युग कुछ ऐसा देखता है कि उसका खून सूख जाता है। वो लड़का गहरी सुख भरी सांस भरता है और उसका शरीर देखते देखते पत्थर होने लगता है और यहाँ वो लड़की धीरे धीरे बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। सिकुड़ी झुर्रियों वाली त्वचा, आंखों में गहरे गड्ढे, एक आंख फूटी हुई और दूसरी आंख बिल्कुल लाल। वो औरत अकड़े हुए लड़के का सर पकड़ती है और धड़ से अलग कर देती है। उसका धड़ जमीन पर तिलमिलाने लगता है। तू भी मुझे तृप्त नहीं कर पाया। शायद जिसका मुझे इंतजार है वही मेरी प्यास बुझाएगा। यक्षिणी हूँ मैं। अब जान गया ना मेरा नाम, और तू यक्षिणी का युग। युग दौड़ता हुआ बिना एक बार भी पीछे देखे सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और सामने दिख रही ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ मिनटों में ही ट्रेन एक टनल में प्रवेश करती है। युग चैन की सांस भर ही रहा था कि युग का अचानक दिल दहल उठता है। ट्रेन जिस टनल में घुसी थी वो ग्रेवयार्ड कोठी में बदल जाती है। यानी युग जहाँ से यक्षिणी से बचकर भागा था वो फिर वही खड़ा था। कुछ ही पल में न ट्रेन थी न ही कोई सहयात्री। युग पलक झपकते ही खुद को फिर से ग्रेवयार्ड कोठी में पाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मुझे मेरे घर वापस जाने दो, मेरी माँ के पास जाने दो। युग की आवाज बस कोठी की छत से टकरा कर वापस आ रही थी और चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक ग्रेवयार्ड कोठी की दीवारें थरथराने लगती है। ये आवाज इतनी तेज थी कि युग सह नहीं पा रहा था। वो खुद को बचाने के लिए कोठी से बाहर की तरफ भागता है कि अचानक उसके पैरों में एक साड़ी का पल्लू आकर लिपटता है और उसे घसीटता हुआ अंदर ले आता है। जैसे ही युग पलट कर देखता है तो सामने खड़ी थी यक्षिणी, उसी भयानक रूप में जिसे देखकर युग भागा था। मुझे मत मारना, मत मारना मुझे, मुझसे गलती हुई है मैं मानता हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यक्षिणी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराती है और पलट कर कोठी के अंदर वाले कमरे की तरफ जाने लगती है और उसके पल्लू में बंधा हुआ युग उसके पीछे घसीटता हुआ अंदर की तरफ जा रहा था। कोई है? बचा! यक्षिणी के पैरों से लगातार खून बह रहा था। उसके पैरों के निशानों पे पीछे पीछे घसीटता हुआ युग एक कमरे में पहुंचता है। वो कमरा ऐसे सजा हुआ था जैसे मानो सुहागरात के लिए सजा हो। यक्षिणी की साड़ी का पल्लू युग को जोर से उठाकर पलंग पर पटक देता है। यक्षिणी पलंग पे बेजान पड़े हुए युग की तरफ बढ़ती है और उसे एक दूध का ग्लास थमाती है। ये क्या है? हमारे मिलन से पहले दूध नहीं पिएगा मेरा दूल्हा। युग के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो कपकपाते हाथों से ग्लास पकड़ता है और जैसे ही दूध का पहला घूंट लेता है युग के मुंह में भयानक गंदे अजीब किस्म के कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। आथू! ये क्या है? मैं मर जाऊंगा, मेरी जान बख्श दो। यक्षिणी की खौफनाक हंसी के साथ उस कमरे की दीवारों से अजीब तरह का बदबूदार द्रव्य बहने लगता है और धीरे धीरे यक्षिणी युग को अपनी बाहों में भरती है, बिल्कुल वैसे ही
जैसे वो युग को सपने में गले लगाती थी। धीरे धीरे यक्षिणी की पकड़ और सख्त होती जा रही थी। युग की आंखें ऐसी फट रही थी जैसे उसके प्राण आंखों तक आ गए हो। अरे भाई साहब उठो, सोते रहेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी, फूलपुर आ गया है। सॉरी। युग ट्रेन की खिड़की से झांकता है तो प्लेटफॉर्म सुनसान वीरान पड़ा था। इस भयानक सपने के बाद युग की ट्रेन से उतरने की हिम्मत नहीं हुई और ट्रेन आगे बढ़ गई। जैसे ही फूलपुर निकल जाता है, युग उठकर ट्रेन के गेट पर खुली हवा लेने के लिए खड़ा होता है। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आप 2 मिनट मेरा बैग पकड़ सकते हैं? जी। युग काफी देर इंतजार करता है लेकिन लड़की वापस नहीं आती है। थोड़ी देर बाद युग वॉशरूम में झांकता है तो कोई नहीं होता। अचानक युग के हाथ में जो उस लड़की का बैग था उससे उसी तरह के भयानक कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। युग उस बैग को ट्रेन के बाहर फेंकता है और अगले स्टेशन से वापसी की ट्रेन पकड़कर वापस घर आ जाता है। और अब उसे अपने ख्वाबों की शहजादी से प्यार नहीं, डर लगने लगा था। और इसी के साथ युग के मन में पनप रहा वो प्यार दम तोड़ चुका था। यक्षिणी का सच जानना चाहेंगे? क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो अंदर, मैंने उसको देख लिया। सेंट जोसेफ स्कूल के वॉशरूम से भागती इस लड़की ने कोई भूत नहीं देखा था, बल्कि उसने क्लास 12th बी में पढ़ने वाली नैंसी को देखा था। लेकिन नैंसी का रूप ही इतना भयानक था कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। गहरा गाढ़ा रंग, चेहरे पर ऐसे चकत्ते जैसे किसी ने बहुत मारा हो, पूरे शरीर पर चेचक के दाग, मोटा शरीर और बेतरतीब दांत नैंसी को इतना कुरूप बनाते थे कि कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। नैंसी भी जानती थी कि वो कुरूप है और इसलिए पूरे स्कूल में उससे कोई बात नहीं करता। और यही वजह थी कि क्लास के अलावा नैंसी लाइब्रेरी के एक कोने में ही बैठी रहती थी। बच्चे तो लाइब्रेरी के उस कोने से भी खौफ खाते थे। एक दिन लाइब्रेरी के उसी कोने में ऊपर वाली एक शेल्फ से एक किताब आकर सीधा नैंसी के पैरों में गिरती है। ये कौन सी किताब है? पहले तो लाइब्रेरी में ये किताब कभी नहीं देखी। ये टाइटल कैसा है? यक्षिणी। नैंसी जैसे ही उस किताब को खोलती है, नैंसी बुरी तरह डर जाती है और अपनी जगह बदल कर फिर से किताब पढ़ने के लिए खोलती है। इतनी जोरदार आवाज और किताबों के वजन से नैंसी सहम जाती है। वो उस किताब को बैग में डालती है और घर निकल जाती है। नैंसी को अकेला रहने की इतनी आदत हो जाती है कि वो घर में भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अकेली ही बैठी रहती है। और बैग से वो वही किताब यक्षिणी निकालती है और उसका पहला पन्ना खोलती है। नैंसी पलट कर देखती है। हैरानी की बात ये थी कि नैंसी के कमरे में लगा हुआ फुल साइज आईना चटकता ही जा रहा था। नैंसी हाथ में किताब लिए हल्के हल्के कदमों से आईने के करीब आती है और उसे आईने में जो दिखता है उसे देख खुद की आंखों पर उसे यकीन नहीं होता। नैंसी का मोटा शरीर उसकी आंखों के सामने आकर बदल रहा था। देखते ही देखते नैंसी की छवि कुछ ऐसी हो चुकी थी। खूबसूरत बदन, लंबे रेशमी बाल, गोरा साफ रंग, तीखी आंखें और यौवन ऐसा कि कोई भी फिदा हो जाए। ये मैं हूँ, नैंसी बत्रा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ओह गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। नैंसी समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। नैंसी काफी देर तक आईने में खुद को निहारती रही। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है?
मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे अभी अभी कोई लड़का मिल जाए तो। अचानक नैन्सी के कमरे का दरवाजा बजता है। नैन्सी अपना मुंह ढकते हुए दरवाजा खोलती है तो नौकर था प्यारे, जिसकी उम्र करीब 35 साल है। क्या हुआ प्यारे? मैडम, वो साहेब और मेम साहब सो गए हैं। मेम साहब ने कहा था आपको सोने से पहले एक ग्लास हल्दी दूध आपको देना है, वही लाया हूँ। ओह अच्छा, अंदर आ जाओ, वहाँ बेड के पास स्टूल पर रख दो। प्यारे कमरे के अंदर आकर जैसे ही दूध रख के पलटता है, सामने यही सुंदर नैन्सी उसका रास्ता रोके खड़ी थी। नैन्सी के आंखों के भाव प्यारे साफ साफ पढ़ रहा था कि वो कुछ अलग चाहती है। प्यारे इस रहस्यमय सौंदर्य से ऐसे सम्मोहित हो गया और अपने हाथ बढ़ाकर नैन्सी को छूने की कोशिश करता है। नैन्सी आग के तरह तप रही थी। नैन्सी के करीब आते ही प्यारे जैसे पागल हो उठा। एक गहरी सांस भरकर प्यारे आंखें खोलता है और जो वो सामने देखता है उससे उसके प्राण सूख जाते हैं। खूबसूरत नैन्सी की आंखों में खून तैर रहा था। खूबसूरत चेहरे पर अचानक झुर्रियां आने लगी, दांत पैने और लंबे लंबे कटीले नाखून। तू लक्ष्मी को संतुष्ट करना चाहता है तो ही नहीं कर पाएगा, तू ही मरेगा। हंसते हुए यक्षिणी ने अपने तीखे कटीले नाखून प्यारे की छाती पर गढ़ाए और अंदर तक घोर दिए। आधे सेकंड में यक्षिणी ने प्यारे का दिल बाहर खींच निकाला। प्यारे की झिग्गी बंधी रह गई और उसकी चीख तक नहीं निकल सकी और वहीं उसने दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब नैन्सी उठती है तो खुद को फिर से कुरूप पाती है, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुई। उसने सोच लिया कि स्कूल में घुसने से पहले वो एक बार फिर किताब खोलेगी। और आज पहली बार नैन्सी स्कूल पहुंचने के लिए बहुत उत्साहित थी। नैन्सी स्कूल से थोड़ा पहले रुकती है और बैग से यक्षिणी की किताब निकालकर खोलती है। किताब खुलते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, मौसम बदल जाता है और एक बार फिर से नैन्सी खूबसूरत हो उठती है और स्कूल में दाखिल होती है। स्कूल के सारे लड़कों की नजर नैन्सी पर टिक जाती है। हर लड़का उससे बात करना चाहता था। स्कूल जाकर नैन्सी को पता चलता है कि स्कूल पिकनिक पर जा रहा है। शहर से पास ही किश्नोई नदी के किनारे एक ग्रेवयार्ड कोठी है। शाम को सभी को वापस आना है। पूरे स्कूल के बच्चे बस से रवाना हो जाते हैं। हाय, मेरा नाम युग है। नैन्सी युग की तरफ देखती है और इस बार नैन्सी इतनी कॉन्फिडेंस में थी कि वो क्लास 6 से अपने क्रश युग से नजरें मिलाकर कहती है, जानती हूँ 6 क्लास से तुम मेरे क्रश हो। पीछे बैठे युग के दोस्त मजे ले रहे थे। तुम इतने टाइम से इसी स्कूल में हो, पहले कभी देखा ही नहीं। हाँ, मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में रहती हूँ और तुम्हारा तो वहाँ कोई काम ही नहीं। कुछ ही देर में स्कूल बस ग्रेवयार्ड कोठी पहुँच जाती है। बच्चों, ये है ग्रेवयार्ड कोठी। एक वक्त पर जाने माने राइटर लेखक बाबू यहाँ रहा करते थे, हॉरर कहानियाँ लिखते थे। इसीलिए सर ये कोठी भी हॉरर लग रही है। आधे बच्चे ग्रेवयार्ड कोठी की दो सीढ़ियों के बाद आगे ही नहीं बढ़ते, क्योंकि ग्रेवयार्ड कोठी की उड़ती दीवारें, छत पर चिपके चमगादड़ों के गुच्छे, जगह जगह पर रूह कांप देने वाली पेंटिंग्स बच्चों को डराने के लिए काफी थी। लेकिन नैन्सी जिस तरह खुद में ही खोई आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था उसका कोई पुराना रिश्ता है ग्रेवयार्ड कोठी से।
नैन्सी स्कूल के ग्रुप से अलग होते हुए एक अलग थलग कमरे में पहुंचती है और उसे वहां पर हूबहू वैसे ही यक्षिणी की किताब मिलती है जैसी उसके बैग में है। उस किताब को देखकर नैन्सी की आंखों में जैसे खून उतर आता है। नैन्सी? नैन्सी के पीछे पीछे युग भी वहां आ गया था। युग के मन में पिकनिक में नैन्सी के साथ कुछ करने की चाहत भी थी। नैन्सी उसे देख के मुस्कुराती है और युग उसके करीब पहुंच जाता है। युग के दोस्त दीवार के पीछे नजारा देखने के लिए पहले से जमा थे। तुम्हें मैं बहुत टाइम से पसंद हूँ ना, जैसा तुमने बस में बताया था। हाँ युग। क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? बस हग करोगे? युग के लिए ये इशारा काफी था। युग सीधा नैन्सी को गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। युग शायद हदें पार करना चाहता था लेकिन नैन्सी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो अचानक से युग को गुस्से भरी नजरों से देखती है और चीखते चीखते एक आंख वाली बुढ़िया में तब्दील हो जाती है। वो इतना घिनौना रूप ले लेती है कि युग घिन से अपनी आंखें मीच लेता है। नैन्सी अब एक गंदी घिनौनी बुढ़िया बन चुकी थी। वो अपने तीखे नाखून वाला एक पंजा युग को मारती है। युग के हाथ पर एक जहरीला घाव पनप जाता है। वो बुढ़िया अपने सफेद पड़ चुके कमजोर हाथों से युग का सर पकड़ती है और अचानक इतनी ताकत से उसका सर दोनों तरफ से दबाती है कि उसके सर के चीथड़े उड़ जाते हैं और युग वही दम तोड़ देता है। वो डरावनी बूढ़ी औरत स्कूल के बाकी बच्चों की तरफ बढ़ती है। रुक जा यक्षिणी। युग के दोस्त भागकर गांव से एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। मैं जानता हूँ तू यक्षिणी है, तू इन मासूम बच्चों को नहीं मार सकती। तूने एक शिकार कर लिया है, अब लौट जा, लौट जा। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से यक्षिणी की आत्मा को एक बोतल में उतार लेता है और बोतल बंद कर देता है। और इधर वापस नैन्सी अपने बदसूरत रूप में वापस आ जाती है। तांत्रिक उस बोतल को सामने किश्नोई नदी में फेंक कर चला जाता है और स्कूल स्टाफ भी बच्चों को तुरंत बस में बिठाकर वहां से फौरन रवाना हो जाते हैं। नैन्सी को बस में सबसे आगे ड्राइवर के पास बिठाया जाता है। यहां बस निकलती है और उधर किश्नोई नदी में वो बोतल पत्थर से टकराकर फूट जाती है। बोतल फूटते ही हाईवे पर चल रही बस में नैन्सी की आंखें गहरी लाल हो जाती है और वो अचानक ड्राइवर को देख के मुस्कुराती है और अगले ही पल स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बस को खाई की तरफ मोड़ देती है। बस पूरे स्टाफ और बच्चों समेत खाई में गिरती है और धुआं धुआं हो जाती है और सड़क किनारे नैन्सी के रूप में यक्षिणी चीख चीख कर कहती है, जो मेरे पास आएगा वो वापस नहीं जाएगा। एक बार फिर यक्षिणी का रहस्य अधूरा रह गया और कुछ और जिंदगियां खत्म हो गई और ये रहस्य रहस्य ही रह गया। कल सुबह 5:30 बजे मेरी ट्रेन है, अपने पुश्तैनी गांव बगला मुड़ा जा रहा हूँ। हमारी पुश्तैनी हवेली ग्रेवयार्ड कोटी का एक काम खत्म करने, लेकिन जब से मैंने वहाँ जाने का फैसला लिया है तब से सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है और मेरी उलझन बस इतनी है कि ये सिर्फ मेरा वहम है या वाकई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। पिछली 3 रातों में मुझे 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई। इस वजह से मेरे शरीर में थकान है, लेकिन इस थकान के बावजूद भी मेरी पलकें हैं कि भारी होने का नाम नहीं ले रही। मैं एक बार और सोने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक खिड़की से अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार खिड़की थपथपा रहा है, लेकिन रात के 1 बजे कोई किसी की खिड़की क्यों ही थपथपाएगा। मैं बिस्तर से उठा और झटके से खिड़की खोली।
पहले तो एक अजीब सी सर्द हवा ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। नजर पड़ती है कि एक अजीब सा कौआ जैसे ओस की बूंदों से भीग गया हो खिड़की पर बैठा था। पहली बार ऐसा कौआ देखा था जो खिड़की खुलने पर भी उड़ा नहीं बल्कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। उसकी आंखें मेरी तरफ स्थिर थी लेकिन वो अपना सर कभी दाएं झुकाता कभी बाएं झुकाता। 2 सेकंड से ज्यादा तो मैं उसे नजरें नहीं मिला पाया। एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने पास ही रख के जग से थोड़ा पानी निकाला और उसकी तरफ फेंका तब जाकर वो उड़ा। उसके उड़ते ही मैं खिड़की लगाने ही वाला था कि मेरी नजर सामने नीम के पेड़ पर पड़ी। उसके तने के चारों तरफ किसी ने 7 घेरे बनाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पतली लकड़ी से उस नीम के पेड़ के चारों तरफ गोले बना दिए थे जैसे कोई टोटका किया हो। नीम की पत्तियों की सरसराहट ने मेरा ध्यान खींचा तो मुझे देखकर बहुत अजीब लगा कि आसपास के बाकी पेड़ एकदम शांत और स्थिर थे तो फिर सिर्फ ये नीम के पेड़ की टहनियां ही क्यों हवा से हिल रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरे वहम की वजह से मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। मैंने अपना दिमाग झटका और खिड़की वापस बंद कर दी। मेरा गला सूख रहा था। मैंने जग से थोड़ा पानी गिलास में निकाल कर पिया और फिर जग पर ही गिलास उल्टा रखा और जाकर बिस्तर पर बैठ गया। पता नहीं क्यों मैं अंदर से बहुत मायूस बहुत खाली सा महसूस कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी बिल्कुल सन्नाटा था। दूर कहीं बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मन इतना उलझा था कि मैं बिस्तर पे बैठा ही रहा काफी देर। कभी अपने पिता का चेहरा याद करने की कोशिश करता क्योंकि मैं बस 6 साल का था जब वो गुजरे। उनके मौत के वक्त का माहौल मुझे ठीक से याद नहीं। बस वो खिड़की के पास एक मेज पर अपनी किताब लिखते थे। वो दृश्य ही याद आता है जब उनके बारे में सोचता हूँ। मैं पापा के ख्यालों में ही था कि मुझे अचानक लगा कि कोई है जो इसी अंधेरे कमरे में है और मुझे देख रहा है। मैंने अचानक देखा तो आईने पर पड़ रही रोशनी में मैं ही दिख रहा था। मैं अपनी परछाई से जब डरा तो मैंने अब सो जाना ही बेहतर समझा। मैं वापस लेट गया। गहरा सन्नाटा था। इतना गहरा कि दीवार पर लटकी घड़ी के कांटों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में कांटों की आवाज के साथ एक आवाज और आने लगी जैसे कोई बर्तन भूकंप आने पर थरथराता है। मैंने जग की तरफ देखा तो वो थरथराया जा रहा था। थरथराहट बढ़ गई और अचानक उस पर रखा ग्लास नीचे गिरा। ये बहुत अजीब था। मैं यकायक बिस्तर से उठा और उस ग्लास को उठाकर मेज पर रख दिया। अब उसकी थरथराहट बंद हो गई। अब ये जो हुआ था ये मेरे वहम से भी आगे था क्योंकि उसके थरथराने का कारण मेरी समझ के बाहर था। इस वाकये ने मुझे बेहद दहला दिया। मैं बहुत देर तक बस उस जग को देखता रहा। मुझे डर ये था कि अगर मैं लेटूंगा तो ये फिर थरथरा उठेगा। मुझे अचानक बहुत गर्मी लगने लगी जबकि रात काफी सर्द थी। मैं उठकर स्विच बोर्ड की तरफ गया लेकिन मेरी नजरें लगातार जग पर ही टिकी हुई थी। पंखे को एक नंबर पर चला के मैं बिस्तर पर वापस लेट गया और इस बार जग की तरफ ही करवट ली ताकि मेरी नजर उस पर से ना हटे। इधर मेरा पूरा ध्यान जग पर ही था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि फिर से एक आवाज आ रही है लेकिन ये आवाज अलग है। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कमरे की छत पर खड़ा हुआ है और जोर जोर से अपने पैर पटक रहा है जिसकी धमक मुझे नीचे तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस धमक की आवाज की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पहले धीरे धीरे पैर पटक रहा था और अब धीरे धीरे वो अपने पैरों की गति बढ़ा रहा है। फिर अचानक से आवाज इतनी तेज हो गई जैसे कोई छत पर मेरे कमरे के कोने से दूसरे कोने की तरफ लगातार दौड़े जा रहा हूं। बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे समझ आ रहा था कि कोई ऊपर मेरे कमरे में चारों तरफ दौड़े जा रहा है। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। मैंने हिम्मत जुटाकर फैसला कर ही लिया कि मैं छत पर जाकर खुद देखूंगा कि कौन है। मैंने जैसे ही बिस्तर से उठकर जमीन पर पैर रखा वो आवाज अचानक बंद हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं जबरदस्ती सोना चाहता हूँ इसीलिए मुझे ये सब वहम हो रहे हैं। लेकिन इस उथल पुथल ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं पसीने से भीग चुका था। मैंने पंखे को अब 1 नंबर से बढ़ाकर सीधा 5 नंबर पर कर दिया और अपनी टी शर्ट भी उतार दी। मेरा गला सूख रहा था लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं उस जग को उसकी जगह से जरा सा भी हिलाऊं। और कमरे से बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने कुछ देर खड़े होकर पंखे की हवा ली। थोड़ा नॉर्मल महसूस हुआ उसके बाद मैं एक बार फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन जैसे ही मैंने आंख बंद की वो चारों तरफ दौड़ने की आवाज यकायक बहुत तेजी से आना शुरू हो गई।
मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और मैं उठकर दीवार से पीठ टिकाकर बिस्तर पर ही बैठ गया। मुझे पंखा फुल स्पीड पर चलाने के बाद भी बहुत पसीना आ रहा था। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठने के बाद मैंने सोचा कि मैं खिड़की खोल लेता हूँ, बाहर से हवा आएगी तो बेहतर महसूस करूंगा। लेकिन फिर वही हुआ, खिड़की खोलते ही एक बार फिर मेरी नजर सामने उस नीम के पेड़ पर चली गई। पेड़ के तने के चारों तरफ जो सात घेर बने हुए थे वो कटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें एक सीध में काटा हो, जैसे किसी ने कोई सुरक्षा घेरा तोड़ा हो। और उस नीम के पेड़ की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई एक डाल से दूसरी डाल पे कूद रहा हो। इतनी सर्द रात में भी ओस की बूंदे पत्तियों पर ठहर नहीं रही थी, पिघल कर पानी बन नीचे जमीन को भिगा रही थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे ये देखकर। मैंने खिड़की वापस बंद कर दी और कानों में रुई के टुकड़े डाले ताकि मुझे वहम की वजह से बेवजह आवाजें सुनाई ना दे। मैं एक बार फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ ही सेकंड्स में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। मुझे छाती पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, कोई मेरा गला दबा रहा था। मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। मैंने आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन अभी भी मेरी छाती पर बहुत भारीपन था। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं बहुत जोर से चीखा। तब तक सुबह हो चुकी थी और माँ भागी भागी मेरे कमरे में आ गई। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बुरा सपना देखा था। मैं माँ को बताना नहीं चाहता था कि मुझे तीन दिनों से क्या महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने टाल दिया। कुछ देर में मैं तैयार होकर घर से निकल गया। घर से बाहर निकलते ही मैंने ऑटो पकड़ा। ऑटो ड्राइवर रियर व्यू मिरर से मुझे घूरे ही जा रहा था और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तेरा इंतजार कर रही है। क्या मतलब, कौन इंतजार कर रही है? मेरे सवाल करते ही ऑटो वाला जोर से ब्रेक मारता है और मेरी तरफ पलटकर कहता है, साहब ईयरफोन लगाया हुआ हूँ, फोन पर बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं बोला मैंने। ओके, चलो जल्दी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। थोड़ी ही देर में मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया और ट्रेन आते ही अपने टिकट में लिखे सीट नंबर पर पहुंच गया। आजू बाजू की सीट वाले मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है और आगे के लिए रवाना होती है। मेरे सामने काफी बुड्ढे बाबा बैठे हैं जो युग को ही देखे जा रहे थे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए बाबा से पूछ ही लिया, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बगला मुड़ा जा रहे हैं बेटा। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जानता हूँ। कैसे? तुम्हारे बैग में जो किताब फंसी हुई है वो यक्षिणी की है ना, और यक्षिणी और बगला मुड़ा का रिश्ता तो काफी गहरा है। मुझको लगा कि बाबा काफी पुराने हैं, इनको जरूर यक्षिणी की सच्चाई पता होगी, इसीलिए मैंने उनसे पूछ ही लिया, बाबा क्या आज भी यक्षिणी मर्दों का शिकार करके उनका खून पीकर उन्हें मार देती है? नहीं बिटुआ, यक्षिणी अब शांत हो गई है। आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे जिनको यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। आप जिन लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो मेरे पिता थे। क्या तुम उन्हीं के बेटे हो? हाँ बाबा। लेकिन बाबा वो उसके बाद शांत क्यों हो गई? कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू का खून पी के यक्षिणी की प्यास बुझ गई, इसलिए वो शांत हो गई। खून पी के प्यास बुझ गई थी तो उसने मेरे पिता को क्यों मारा? ये राज उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया। पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, ग्रेवयार्ड कोठी से दूर रहो, यक्षिणी शांत हो चुकी है, उसको वापस मत जगाओ। बाबा वैसे आप इतना कुछ कैसे जानते हैं ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में? मैंने इतना पूछा ही था कि तभी ऊपर वाली बर्थ से कुछ नीचे गिरता है। मैंने झुककर नीचे देखा, कुछ ना मिलने पर जब मैंने वापस बाबा की तरफ देखा, मेरा रिश्ता तुझसे है, ग्रेवयार्ड कोठी से नहीं, 13 साल से इंतजार था। यक्षिणी का युग के साथ क्या रिश्ता था? वो 13 साल से युग का क्यों इंतजार कर रही थी? क्यों यक्षिणी मर्दों का शिकार कर उन्हें मार दे?